जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण सर्ग 10। राजा दशरथ का कैकई के भवन में जाना, उसे को भवन में स्थित देखकर दुखी होना और उसको अनेक प्रकार से सांत्वना देना। पापिनी कुब्जा ने जब देवी कैकेयी को बहुत उल्टी बातें समझा दी, तब वह विषाक्त वाण से विद्ध हुई किन्नरी के समान धरती पर लेटने लगी। मंथरा के बताए हुए समस्त कार्यों को यह बहुत उत्तम है, ऐसा मन ही मन निश्चय करके बातचीत में कुशल भामिनी कैकेयी ने मंथरा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। मंथरा के वचनों से मोहित एवं दीन हुई भामिनी कैकेयी पूर्वोक्त निश्चय करके नाग कन्या की भांति गरम और लंबी सांसें खींचने लगी और 2 घड़ी तक अपने लिए सुखदायक मार्ग का विचार करती रही। और वह मंथरा जो कैकेयी का हित चाहने वाली सुहृदय थी और उसी के मनोरथ को सिद्ध करने की अभिलाषा रखती थी, कैकेयी के उस निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई हो। तदंतर रोष में भरी हुई देवी कैकेयी अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय कर मुखमंडल में स्थित भौं को टेढ़ी करके धरती पर सो गईं। और क्या करती, अबला ही तो थी। तदंतर उसके कई राजकुमारी ने अपने विचित्र पुष्पहारों और दिव्य आभूषणों को उतार फेंक दिया। वे सारे आभूषण धरती पर यत्र तत्र पड़े थे, जैसे छटके हुए तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार फेंके हुए वे पुष्पहार और आभूषण वहां भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। मलिन वस्त्र पहनकर और सारे केशों को दृढ़ता पूर्वक एक ही बेड़ी में बांधकर कोप भवन में पड़ी हुई वे कैकेयी बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा दे सबको यथा समय उपस्थित होने के लिए कहकर रनिवास में गए। उन्होंने सोचा आज ही श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध की गई है, इसलिए यह समाचार अभी किसी रानी को नहीं मालूम हुआ होगा। ऐसा विचार करके जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतःपुर में प्रवेश किया। उन महायशस्वी नरेश ने पहले कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया, मानो श्वेत बादलों से युक्त राहु युक्त आकाश में चंद्रमा ने पदार्पण किया हो। उस भवन में तोते मोर क्रौंच और हंस आदि पक्षी कलवर कर रहे थे। वहां वाद्यों का मधुर घोष गूंज रहा था। बहुत सी कुब्जा और बोने दासियां भरी हुई थीं। चंपा और अशोक से सुशोभित बहुत से लता भवन और चित्र मंदिर उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। हाथी दांत चांदी और सोने की बनी हुई वेदियों से युक्त उस भवन को नित्य फूलने फलने वाले वृक्ष और बहुत सी बांबड़ियां सुशोभित कर रही थीं। उसमें हाथी दांत चांदी और सोने से बने हुए उत्तम सिंहासन
रखे गए थे नाना प्रकार के अन्न पान और भांति भांति के भक्ष भोज पदार्थों से वह भवन भरा पूरा था। बहुमूल्य आभूषणों से संपन्न कैकई का वह भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था। अपने उस समृद्धिशाली अंतापुर में प्रवेश करके महाराज दशरथ ने वहां की उत्तम शैया पर रानी कैकई को नहीं देखा। इससे पहले रानी कैकई राजा के आगमन की उस बेला में कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। राजा ने कभी सुने भवन में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए वे घर में आकर कैकई के बारे में पूछने लगे। उन्हें ये मालूम ना था कि मूर्ख कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, अतः उन्होंने पहले की ही भांति प्रतिहारी से उसके विषय में पूछा। प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, देव देवी कैकई अत्यंत कुपित हो कोप भवन की ओर दौड़ती हुई गई हैं। प्रतिहारी की यह बात सुनकर राजा का मन बहुत उदास हो गया। उनकी इंद्रियां चंचल एवं व्याकुल हो उठी और वे पुनः अधिक विषाद करने लगे। कोप भवन में वह भूमि पर पड़ी हुई थी और इस तरह लेटी हुई थी कि जो उनके लिए योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त होकर उसे इस अवस्था में देखा। राजा बूढ़े थे और उनकी वह पत्नी तरुणी थी, अतः वे उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकई अपने मन में पापपूर्ण संकल्प लिए हुए थी। उन्होंने उसे कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़ी देखा, मानो कोई देवांगना स्वर्ग से भूतल पर गिर पड़ी हो। वह स्वर्ग भ्रष्ट किन्नरी देवलोक से उच्चित हुई अप्सरा लक्ष्य भ्रष्ट माया और जाल में बंधी हुई हिरणी के समान जान पड़ती थी। कैकई की इस अवस्था को देखकर राजा बहुत दुखी हुए और कैकई से इस प्रकार बोले, देवी तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। फिर किसके द्वारा तुम्हारा तिरस्कार हुआ है या किसने तुम्हारी निंदा की है? कल्याणी, तुम जो इस तरह मुझे दुख देने के लिए धूल में लौट रही हो, इसका क्या कारण है? मेरे चित्त को मत डालने वाली सुंदरी, मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की ही भावना रहती है। फिर मेरे रहते हुए तुम किस लिए धरती पर सो रही हो? यह जान पड़ता है तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है। भामिनी, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा कुशल वैद्य हैं, जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है। वे तुम्हें सुखी कर देंगे। अथवा कहो, आज किसका प्रिय करना है या किसने तुम्हारा अप्रिय किया है? तुम्हारे किस उपकारी को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो अथवा किस अपकारी को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए? देवी, तुम ना रो, अपनी देह को ना सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किस अवध का वध किया जाए अथवा किस प्राण दंड पाने योग्य अपराधी को
भी मुक्त कर दिया जाए। किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए। मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता, उसे पूरा करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसे स्पष्ट कहो। अपने बल को जानते हुए भी तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्य कर्म की शपथ खाकर कहता हूँ, जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो वही करूँगा। जहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है वहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सारे प्रदेश तथा अंग, वंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सभी समृद्धिशाली देशों पर मेरा आधिपत्य है। भीरु, इतना कलेश उठाने की क्या आवश्यकता है। शोभिने, उठो उठो, कैकई, ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किसी से कोई भय प्राप्त हुआ है। जैसे अंशुमाली सूर्य कोहरा दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे भय का सर्वथा निवारण करूंगा। राजा के ऐसा कहने पर कैकई को कुछ सांत्वना मिली। अब उसे अपने पति से वह अप्रिय बात कहने की इच्छा हुई। उसने पति को और अधिक पीड़ा देने की तैयारी कर दी। जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण सर्ग 11। कैकई का राजा को प्रतिज्ञाबद्ध करके उन्हें पहले दिए हुए दो वरों का स्मरण दिलाकर भरत के लिए अभिषेक और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना। भूपाल राजा दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित तथा कामवेग के वशीभूत हो उसी का अनुसरण कर रहे थे। उनसे कैकई ने यह कठोर वचन कहा, देव, ना तो किसी ने मेरा अपकार किया है और ना किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित ही हुई हूँ। मेरा कोई एक अभिप्राय अर्थात मनोरथ है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए, इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूँगी। राजा दशरथ काम के अधीन हो रहे थे। वे कैकई की बात सुनकर किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई उस देवी के केशों को हाथ से पकड़कर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उससे इस प्रकार बोले, अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली कैकई, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कौन ऐसा मनुष्य है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो, जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय है और जिन्हें जीतना किसी के लिए भी असंभव है। उन प्रमुख वीर महात्मा श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, अतः तुम्हारे मन की जो इच्छा हो उसे बताओ। कैकई, जिन्हें दो घड़ी भी ना देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम जो माँ कहोगी उसे पूर्ण करूँगा। कैकई नंदिनी, अपने तथा अपने दूसरे पुत्रों को निछावर करके भी मैं जिन नरश्रेष्ठ श्री राम का वर्णन करने को उद्यत हूँ उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूँ कि
तुम्हारी कही हुई बात पूरी करूंगा। भद्रे, मेरा ये हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको अधिक प्रिय हैं, इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वह कहो। अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सत्य कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा। रानी कैकेयी का मन स्वार्थ की सिद्धि में लगा हुआ था। उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा को अपने वश में देखकर हर्ष हो रहा था। अतः यह सोचकर कि अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का अवसर आ गया है, वह राजा से ऐसी बात बोली जिसे मुख से निकालना शत्रुओं के लिए भी कठिन है। राजा के शपथ युक्त वचन से उसको बहुत हर्ष हुआ। उसने अपने उस अभिप्राय को जो पास आए हुए यमराज के समान अत्यंत भयंकर था इन शब्दों में व्यक्त किया। राजन, आप जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर मुझे वर देने के लिए उद्यत हुए हैं उसे इंद्र आदि 33 देवता भी सुन लें। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, तारा, दिन, दिशा, जगत, यह पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले ग्रह देवता तथा इसके अतिरिक्त भी जितने प्राणी हों वे सब आपके कथन को जान लें, आपकी बातों के साक्षी बने। सब देवता सुने, महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञ, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराज मुझे वर दे रहे हैं। इस प्रकार काम मोहित होकर वर देने को उद्यत हुए महाधनुर्धर राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने पहले उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा, राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए, जबकि देवासुर संग्राम हो रहा था वहाँ शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं लिए थे। देव, उस युद्ध स्थल में सारी रात जागकर अनेक प्रकार के यत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे दो वर दिए थे। एव पृथ्वीपाल रघुनंदन, आपके दिए हुए वे दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में आपके ही पास रख दिए थे। आज इस समय उन्हीं की मैं खोज करती हूँ। इस प्रकार धर्मता प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन दोनों वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने को अपने द्वारा अपमानित हुई समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। जैसे मृत बहलिया की वाणी मात्र से अपने ही विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार कैकेयी के वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण करने मात्र से अपने ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। तदंतर कैकेयी ने काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से इस प्रकार कहा, देव पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो दो वर देने की प्रतिज्ञा की थी
उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उन दोनों बड़ों को मैं अभी बताऊंगी। आप मेरी बात सुनिए। यह जो श्री राम के अभिषेक की तैयारी की गई है, उसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का राज्य अभिषेक किया जाए। देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया, उसे प्राप्त करने का समय अभी आ गया है। धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में तत्काल तथा मृगचर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण वन में जाकर रहे। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए, यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर मांगती हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन की ओर जाते हुए देखूं। आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतीक बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुल शील तथा जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वह परलोक में निवास होने पर मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी है।